चलिए एक और नए स्टूडेंट के साथ अब मिलते हैं अंकित से जो पटना बिहार से हैं और अंकित को एनआईटी भोपाल अलॉट हुआ है। तो अंकित सबसे पहले आपको इस कॉलेज के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अंकित की सक्सेस स्टोरी को हम जानते हैं। देखिए मैं ये सारे सेशन का पर्पज एक ही है कि आप हर बच्चे की डिफरेंट डिफरेंट लाइफ होती है, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच होती है, अलग अलग स्टोरी होती है और आप इन सबको जान के कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। तो अंकित ने 2019 में मगध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था पर क्योंकि यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स लेट हुए इसलिए 19 को कंप्लीट होते होते मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते सितंबर आ गया इसलिए 19 के लिए एलिजिबल नहीं थे। देन फाइनली सितंबर से 20 के लिए प्रिपरेशन की और फाइनली मैनेट मिला। तो अंकित मैं चाहूंगा कि आपकी जो लाइफ की जर्नी है स्टार्ट से बताइएगा आप मुझे कि कब आपने सोचा कि एमसीए की प्रिपरेशन करना है, निमसेट के लिए करना है और फिर किस ढंग से प्रिपरेशन की और प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या चीजें आपके लाइफ में हुई वो सारी चीजें आप डिटेल में बताओ। यस सर, एक्चुअली मैंने बीसीए जब स्टार्ट किया तो पता नहीं था कुछ मतलब कि एमसीए एनआईटी से भी हो सकता है और मुझे ये पता चला एक्चुअली सेकंड ईयर में, पर उतना अवेयरनेस था नहीं सेकंड ईयर में भी तो बहुत अच्छे से पढ़ाई की नहीं मैंने। मैंने ये माइंड मेकअप किया हुआ था कि चलो बीसीए कर लूंगा, उसके बाद अगर जॉब लग गई तो अच्छा है, नहीं तो फिर एमसीए करूंगा। माइंड मेकअप ये था पहले। फिर जब फाइनल ईयर आया तो लगा नहीं यार बीसीए से तो कुछ अच्छा जॉब मिलेगा नहीं, तो ये एमसीए के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। फिर क्योंकि सेशन लेट था फिर प्रोजेक्ट मिलते थे और वैसा कुछ पटना में इन्वायरमेंट वैसा मिलता नहीं था, समझ में आता नहीं था, तो फिर पता नहीं चला। फिर धीरे धीरे पता चला कि हाँ यूट्यूब पे भी कुछ सेशंस होते हैं, उससे आइडिया लगेगा, अवेयरनेस आएगी, तो उससे पे देखना शुरू किया। कुछ कुछ पता चला लेकिन क्योंकि मगध यूनिवर्सिटी का कुछ पता नहीं होता है कब एग्जाम ले ले कब ये ले ले, सेकंड ईयर का 2019 तक भी एग्जाम नहीं हुआ था, तो फिर ये सब होते गया। मैंने सोचा चलो यार पहले एग्जाम मगध यूनिवर्सिटी का दे दूँ, अच्छा से ये दे दूँ, 60% बना लूँ, उसके बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। तो फाइनल ईयर हो गया मेरा 2019 में, मैंने सितंबर लास्ट में स्टार्ट की, 28 सितंबर से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। फिर जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि यार सिलेबस तो अच्छा है, मतलब मैंने सोचा था पहले सेल्फ करूंगा क्योंकि टाइम वेस्ट मुझे नहीं करना था कोचिंग जाके या कुछ करके। तो फिर मैंने जब स्टार्ट किया तो लगा सिलेबस बहुत है, फिर मन में कॉन्फिडेंस दिया कि चलो यार करना तो है अब मैं करूंगा, स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में कंसिस्टेंसी उतना मनती नहीं थी, कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, फिर ये चलते गया धीरे धीरे। जनवरी आ गई, काफी सिलेबस मेरे कवर हुए नहीं थे, ऐसी फ्री टेस्ट सीरीज मैं देता था कहीं ऑनलाइन तो मेरे 400 भी नहीं बन रहे थे। और फिर मैंने सर आपकी वीडियोस देखे, उसमें लगा कि 600 स्कोर अगर हो जाएंगे या 500 प्लस तो एक अच्छा एनआईटी मिलने का चांसेस है। तो फिर मैंने जनवरी जब आया तो फिर मैंने मेरे कोऑर्डिनेट बाकी थे, कैलकुलस बाकी थे, वेक्टर भी कोई पोर्शन बाकी था और मई में एग्जाम होने वाले थे, तो मुझे काफी डर लग रहा था कि कैसे होगा सब कुछ मैनेज। फिर आप कहते थे कि अपना बेस्ट देने की कोशिश करते रहना चाहिए, आपकी वीडियोस में जब यूट्यूब पे देख रहा था वही करते गया कंटिन्यू। देन कोइंसिडेंसली लास्टली मार्च के आसपास ये आ गया कोविड का, तो फिर कोरोना के टाइम मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया कि हाँ इसको अब हम मैनेज कर सकते हैं, आगे पढ़ाई कर सकते हैं। तो सेल्फ पढ़ते गया लगा कि खुद से ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एक कंसिस्टेंसी आप बना के रखते हो और एक गाइडेंस आपको बहुत जरूरी होती है, तो वो गाइडेंस मुझे कहीं से मिल नहीं रही थी जब मैं सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा था। तो मैंने फिर सोचा कि कोरोना में जब लॉकडाउन हो गया तो फिर लोग फोन में थोड़ा बिजी हो गए, मतलब पढ़ाई की कंसिस्टेंसी भी टूट गई थी। 15 to 20 से काफी स्टूडेंट नहीं पढ़े थे इंक्लूडिंग मी, मैं भी नहीं पढ़ा था उतने अच्छे से। तो फिर मैं आपके वीडियो सर यूट्यूब पे मैंने देखना शुरू किया, तो उसमें आप जब आपसे मतलब यूट्यूब पे देखता था तो काफी मोटिवेट होता था कि नहीं यार टाइम वेस्ट नहीं करना है, पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, पढ़ाई करते रहनी है। तो फिर मैंने लगभग जून के आसपास से फिर से मैंने अपनी कंसिस्टेंसी बनानी शुरू की, तो उस समय लगा कि अरे यार एक्यूरेसी और स्पीड सब स्लो हो रहे हैं, तो मैंने पढ़ाई नहीं करके एक गलती की है, पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए अगस्त में क्योंकि उस वक्त एग्जाम होने वाले थे। फिर मैंने आपकी कंटिन्यू सेशन लेने शुरू कर दिए क्योंकि यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं है गाइडेंस बहुत जरूरी है, एक सेल्फ पढ़ना और एक गाइडेंस होना बहुत जरूरी होता है। फिर मैंने कंटिन्यू किया, आपके सेशन लेना शुरू किए सर, और भी इधर उधर के कहीं कहीं से लेना शुरू किया। आप भी यूट्यूब पे खुद बोलते थे कि आपको जहां से समझ में आता है वहीं से पढ़ो, और मन में एक आता था कि मुझे तो यहीं से समझ में आता है, मुझे यहीं से पढ़ना है। उसके बाद मैं कंटिन्यू किया। फिर लास्टली फिर बीएचयू के आए कुछ आपके सेशन आए एग्जाम में कि ये सब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट
पढ़ लो, ये सब होगा, ऐसा कुछ ट्रिक्स पता चला। फिर मुझे एक दो बातें आपकी समझ में आई कि हर क्वेश्चन बनाना जरूरी नहीं है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस बहुत जरूरी होते हैं, स्किप करना क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं, एक कंसिस्टेंसी जरूरी है। फिर मैंने उसको पढ़ा। फिर आपके सर मैजिकल कोर्स आए जो 30 डेज के, 26 डेज चले थे, उससे मैंने पूरा पूरा डेली डेली देखता था, एक भी मिस मैंने नहीं किया, और वो काफी यूजफुल हुआ मेरे लिए सर। और ये रिजल्ट है कि 349 रैंक आया सर ऑल इंडिया। वेरी गुड अंकित, बहुत अच्छा लगा मुझे। देखो बिल्कुल आपने सही बात बोली, जब हम कभी क्या खुद पढ़ रहे होते हैं ना, सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, तो कई बार कमिटमेंट नहीं हो पाता या कंसिस्टेंसी नहीं होती, किसी टॉपिक को ज्यादा टाइम दे दिया किसी को कम। पर जब वो आपने एक्चुअल में रेगुलर फॉलो करना चालू किया तो आपको समझ में आ गया कि हम किस ट्रैक पे जा रहे हैं और कहाँ पर क्या क्या सुधार ला सकते हैं, और उसको आपने सुधार लाया और देखो उसका आपको रिजल्ट भी मिला। तो काफी अच्छा लगा मुझे बात करके और ये जान के कि आपने किस ढंग से अपनी प्रिपरेशन की और बहुत कम समय में एक्चुअल में रिजल्ट दिया। देखिए कई बार कुछ लोगों के लिए कोविड बुरा हुआ तो कुछ लोगों के लिए ये प्लस भी हुआ, क्योंकि कोविड के बाद आपको एकदम से लगा कि नहीं यार मुझे एक मौका मिला है और आप पढ़ाई कर लेना चाहिए। देखो उसका आपको फायदा मिला, तो मैं यही कहूंगा कि टफ कंडीशन में भी कुछ अच्छा हम कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। यस सर, बट आपका गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट था सर। कभी कभी क्या होता है कि हमें मौका मिलता है पर उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, सही वो बात गाइडेंस जरूरी होता है। तो वो गाइडेंस जो आपको मिला सर, आपके जो ट्रिक्स थे कुछ कि स्किप भी करना जरूरी होता है, वो सब पता नहीं था। और सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस होने चाहिए, कब हमें जो सारे क्वेश्चन बनाने जरूरी नहीं है, कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चंस होते हैं तो 50-50 को तो बनाते नहीं है मैथ्स में, तो उसको कैसे छोड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो सब आपके मैजिकल कोर्स में आपने बहुत अच्छे से उसको बताया था सर, और उसका काफी यूज मिला हमें सर। चलो बहुत चलिए, अच्छा लॉट लगा ऑफ थैंक मुझे, यू सर। बहुत मजा आया आपसे बात करके। अब आप आगे भी ऐसे अच्छे से बढ़ो और खुश रहो, और अब आपको क्योंकि भोपाल मैनेट मिला है तो आप बहुत जल्दी सेंटर भी विजिट करोगे, पर अभी ड्यू टू कोविड आपको शायद पहला सेमेस्टर घर पे ही पढ़ना होगा। आफ्टर यस जब भी भोपाल में ये कोविड खत्म होता है आओगे तो अभी भोपाल में एक अवार्ड सेरेमनी भी होगी, उसमें भी आप रहोगे। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।